हम लोगों ने मुस्तफ़ा के इतने ग्लास फीडर्स तोड़े हैं ना कि अब मैंने सोचा कि प्लास्टिक के ही लेना है। और ये रूट्स का फीडर इतना फारिक था ना कस्मे, और भाई साहब के नखरे इतने हैं कि इसने उस फीडर को मुंह भी नहीं लगाया। और हम अगले दिन हंस रहे थे कि जितने चक्कर अब मेरे बच्चा पार्टी पे लगते हैं ना और कहीं पे नहीं लगते। और अगर मैं सिर्फ इसका फीडर लेने गई हूँ ना तो मैं इसके वो फीडर साफ करने वाले ब्रशेज, नैपकिन्स, बेब्स, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा फजूल में उठा के लाती हूँ। तो खैर चल कोई नहीं, आई थिंक दीज आर द बेस्ट पार्ट्स ऑफ बीइंग पेरेंट। उसके बाद मुझे सिजिलियन का फ्राइड चिकन इतना पसंद आया हुआ था, वो कोई चिकन एल अरेबिया के नाम, तो हमने सोचा कि चलो यार दोबारा खाते हैं। एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट आई नो। पहले ना मैं सोचती होती थी कि यार कि जो टॉपर्स होते हैं ना और ये जो गोल्ड मेडलिस्ट टाइप लोग होते हैं इनके साथ तो बंदा बिल्कुल बैठे ही ना, इनको तो पढ़ाई के अलावा कोई बात आती नहीं। मैं अगर किसी टॉपर के साथ बैठ जाती थी ना तो मैं सोचती थी कि यार क्या जिंदगी इन बेचारों की, तो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद तो बंदे को खुद ही डिप्रेशन होने लग जाता कि यार ये इतने ज़हीन कैसे हैं, लाइक हाउ कैन दे बी सो इंटेलिजेंट। बट जोक्स अपार्ट, इन लोगों ने मुझे गलत प्रूफ किया इस बात में। और ये दोनों बहन भाई भी टॉपर है, दे आर सो फ्रेंडली, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ पर्सनालिटीज। हाँ यार, आज मैंने देखा कि मेरे नाम से फेसबुक के ऊपर 10-15 पेजेस बने हुए हैं जिनमें से एक भी मेरा नहीं है, तो फिर मुझे अपना क्रिएट करना ही पड़ा। आई अटैच द लिंक इन माय बायो, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। और उसके अलावा बाकी जितने भी फेक प्रोफाइल्स हैं ना उनको अनफॉलो कर दे। इतना कोई मुझे गुस्सा आ रहा था ना उस टाइम, मैंने अपना नाम लिख के सर्च किया और आगे से कोई 10-12 पेजेस। तो खैर एनीवेज, नाउ दैट आई हैव क्रिएटेड माय ऑन पेज यू कैन फॉलो मी। और ना मैं एक मजे की बात सुनाती हूं। ये 2 साल पहले सर्दियों की बात है, गैस के इतने इश्यूज होते हैं कि गीजर आपको रोजाना ताजा चलाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली रात को गैस चली जाती है तो गीजर बंद हो जाता है। मैं गीजर चलाने के लिए ना बिल्कुल उसके अंदर घुसी हुई थी, गैस मैंने पहले की खोली हुई थी, तो जैसे ही मैंने तीरी लगाई वो यकदम आग लग गई। अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई, लेकिन क्योंकि मैंने मुंह बहुत ज्यादा आगे किया हुआ था तो मेरी लैशेस जल गई और मेरी फ्रंट हेयर लाइन भी पूरी जल गई। तो पहली बात तो ये कि यार बी वेरी केयरफुल, आग जलाते हुए कोशिश करें कि गैस उसी टाइम ही खोलें, पहले से खोल के ना छोड़ें। अब हुआ ये कि लैशेस तो मेरी दोबारा बाद में ग्रो कर गई, लेकिन वो जो मेरी फ्रंट हेयर लाइन जली थी ना, तो मैं उनको पूरे 2 साल जो है ना अब तक ट्रिम करती रहती थी, लाइक मैं काट देती थी ऊपर से, क्योंकि वो छोटे छोटे बाल माथे पे इतने बुरे लगते थे। लेकिन अब मैंने सोचा कि यार मैं कितने अरसे तक इनको काटूंगी, सारी जिंदगी थोड़ी ये कर सकती हूँ, तो चलो 2-4 महीने लगा के इनको बड़ा कर लेती हूँ। मुझे इन बालों से इतनी उलझट भी होती है, लेकिन मैं जो है ना उनको लंबा करने के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, 2-4 महीने ठहर के। अच्छा तो हाँ सच में बता रही थी ना कि लाइक आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट, मतलब मैं पढ़ती थी लेकिन मैं टॉप करने के लिए नहीं पढ़ती थी। शौक होते हैं ना उनको डिग्री के ऊपर डिग्री करने का, पढ़ने का इतना ज्यादा शौक होता है, मतलब आई वॉज नॉट वन ऑफ दोस पीपल। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में जो जॉब के हालात है उसके ऊपर एक के बाद एक डिग्री करना, लाइक बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल, फिर रिसर्च, वो जितना पैसे आप अपनी पढ़ाई पे लगाएंगे ना, आई डोंट थिंक सो वो आपको इतना पे बैक भी होता है। नहीं ऑब्वियसली यार, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप लाजमन पढ़े, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं ना कि मेरी इस डिग्री के बाद तो बस पैसा ही पैसा, जिंदगी सुकून, ऐसे याशियां, तो ऐसा कुछ भी नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, तो उसमें आपको डिग्रियों के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको कुछ करना है तो वो आप अपने स्किल सेट इंप्रूव करें, आपकी डिग्रियां कभी भी आपको इतना पे बैक नहीं करेंगी जितना आपको अपने स्किल्स करेंगे। और कस्मे, आई एम इन लव विद दिस चिकन। और उसके बाद हमने चिल बार का ये मोल्टन लावा विद आइसक्रीम ट्राई किया और ये भी बहुत अच्छा था। और एक और बात, कन्वर्टिंग योर स्किल्स इनटू मनी, ये आपका अपना टैलेंट। तरक्की करने के लिए आप किसी की स्पून फीडिंग पे नहीं चल सकते, मतलब ऐसे नहीं होता कि मैं आपको कहूँ कि आप वेब डिजाइनिंग सीख लें या ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें तो उसमें पैसा ही पैसा है। नहीं, यू हैव टू लुक बाय योरसेल्फ कि आपके अंदर क्या चीज है जो आप कर सकते हैं। तो एनीवेज, दैट इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन, सो वी'ल डिस्कस इट सम अदर डे। फिलहाल के लिए तो मैं इतना ज्यादा खाना खा के आई हुई थी, तो रात को आगे ग्रीन टी पीना इज अ मस्ट, एंड दैट ग्रीन टी आई एम टेकिंग इज हर्बल टी, और उसके साथ साथ ये अल्ट्रा लाइट का शेक। ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने जिनसे मंगवाए हैं मैं उनका नंबर मेंशन करती हूं स्क्रीन पे, तो यू कैन ऑर्डर इफ यू वांट। अगर आप फुल ऑन डाइट नहीं भी कर सकते हैं तो कुछ अच्छी आदतें अपनाने से आप अपना वजन कम कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स ग्रीन टी। और पूरा दिन का जो मुंह पे पसीना और वो सारी डर्ट और पोल्यूशन होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए रात को क्लींजिंग इज अ मस्ट। और क्लींजिंग करने के बाद मैं सैफ्रन नेचुरल का होली ग्रेल एलेक्सर यूज कर रही हूँ, और क्लींजिंग मैं सीताफिल से ही करती होती हूँ। मैंने ये सीरम पिछले महीने से यूज करना स्टार्ट किया एंड इट्स गोइंग ग्रेट फॉर माई स्किन। जस्ट अ रिमाइंडर टू सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड नाउ ऑन फेसबुक एज वेल। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।